हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। तो चलिए आज बनाते हैं दम आलू की एक सिंपल सी रेसिपी, जो कि टेस्टी के साथ साथ हेल्दी भी है और बनाने में भी बहुत ही ईजी है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पे इस तरह के छोटे वाले आलू लिए हैं। ये आलू इस समय बहुत ही अच्छे मिलते हैं और ईजीली मार्केट में अवेलेबल रहते हैं। ये नए वाले आलू हैं, तो इसे हम छील कर ले लेंगे और इसे एक बार अच्छे से क्लीन कर लेंगे, क्योंकि इसमें बहुत ही मिट्टी लगी होती है। और इसे उबाल कर हम इसे छील लेंगे। मैंने यहाँ पे मतलब 1 kg के करीब आलू लिए हैं। मैंने इसे अच्छे से छील लिए हैं, फ्राई करेंगे। आप चाहे तो डीप फ्राई भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इसे सेलो फ्राई करूँगी। तो मैंने यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल का यूज़ किया है। अब यहाँ पे ऑयल को अच्छे से गर्म हो जाने के लिए देंगे। ऑयल जब अच्छे से गर्म हो जाए, तब इसमें हम डालेंगे आलू जिसे हमने छील कर रखा है। अपना ये रेसिपी ना जो बड़े वाले आलू है ना, उससे भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे आलू को लो फ्लेम में इसे फ्राई करेंगे। फ्राई करने से जो दम आलू में अच्छे से टेस्ट आता है और बहुत ही अच्छे बनते हैं। तो जब तक आलू फ्राई हो रहे हैं, हम इसके लिए मसाला तैयार कर लेते हैं। मसाला तैयार करने के लिए एक पैन गरम करेंगे, उसमें हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। ऑयल को एक बार अच्छे से गरम हो जाने के लिए देंगे। इसे बनाने के लिए हमने यहाँ पे कुछ मसाले लिए, जैसे कि टमाटर, अदरक, लहसुन, प्याज और थोड़े से काजू। तो काजू मैंने यहाँ पे टुकड़े वाले लिए हैं। अब इन मसालों को हमें फ्राई करना है और अच्छे से हमें इसको पका लेना है। तो बीच बीच में हम आलू को भी फ्राई करते रहेंगे, वरना वो जल जाएंगे। दोनों तरफ करने से इससे थोड़ी कुकिंग प्रोसेस थोड़ी सी फास्ट हो जाती है। तो मैं यहाँ पे एक तरफ आलू फ्राई कर रही हूँ। जब आलू के फ्राई होते ही हमारा मसाला भी तैयार हो जाएगा। अब और हम जो इसे मसाला हमने फ्राई किया था, वो फ्राई हो चुका है। अब ठंडा होने के बाद इसे हम ब्लेंड कर लेंगे। तो ये मसाला अच्छे से ठंडा हो चुका था, मैंने इसे मिक्सर में चला लिया है और इसका एक स्मूथ सा पेस्ट तैयार कर लेंगे। यहाँ पर मसाला भी हो चुका है और आलू भी फ्राई हो चुके हैं। आलू को अब मैं निकाल लूँगी। तो अब चलते हैं सब्जी बनाने के प्रोसेस में। तो यहाँ पे बचे हुए तेल से हम सब्जी बनाएंगे। अगर आपको ऑयल ज़्यादा लगे तो आप तो ऑयल थोड़ा सा निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे ऑयल को अच्छे से गर्म हो जाने के लिए देंगे, क्योंकि ऑयल तो यहाँ पे गर्म था। तो अब मैं यहाँ इसमें डालूँगी कुछ गर्म मसाले। तो गर्म मसाले डालने के बाद तुरंत ही हम इसमें डालेंगे कटे हुए प्याज। तो मैंने यहाँ पे एक कटा बारीक कटा हुआ प्याज लिया है। अब इसे हम इसमें डाल लेंगे और प्याज को अच्छा ब्राउन होने तक का फ्राई कर लेंगे। आप यहाँ पे रिफाइंड ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मस्टर्ड ऑयल से अच्छा टेस्ट आता है। ऑनियन जब तक का फ्राई हो रहा है, हम कुछ सूखे मसाले ले लेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने सूखे मसाले लिए हैं, जिनमें मैंने ये लिया है थोड़ी सी जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, हींग और थोड़ा सा गरम मसाला लिया है। तो लाल मिर्च पाउडर मैंने कश्मीरी रेड चिली पाउडर ऐड किया है। आप चाहे तो नॉर्मल वाली भी ले सकते हैं, इससे कलर बहुत ही अच्छा आता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्याज थोड़ा सा भुन चुका है। अब इसमें हम ऐड करेंगे जो सूखे मसाले लिए थे। और सूखे मसाले ऐड करने के बाद हम फ्लेम को पूरा लो कर देंगे, वरना सूखे मसाले जल जाएंगे। अब सूखे मसाले को हमें ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, वरना उसका टेस्ट बदल जाएगा। तुरंत ही हम इसमें जो हमने प्याज और काजू वगैरह का पेस्ट बना के रखा था, उसे हम इसमें डाल देंगे। और ज़रूरत के हिसाब से हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, वरना मसाले जल जाएंगे और मसाले थोड़े से थिक भी हो चुके हैं। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी ताकि मसाला जल ना जाए। पानी ऐड करने के बाद अब मैं इसमें ज़रूरत के हिसाब से नमक ऐड करूँगी, क्योंकि मैंने नमक ऐड नहीं किया था। अब इसे ढककर मैं इसे पका लूँगी। तो बीच बीच में इसे चलाते रहेंगे। तो मैंने दही ले लिया है और दही को एक बार चला लेंगे ताकि वो सॉफ्ट हो जाए, क्रीमी बन जाए। अब ना मैं इसमें दही को ऐड कर लूँगी। दही ऐड करने से दम भी आलू में ना एक अच्छा सा टेस्ट आता है और इसकी एक मतलब दिखने में भी बहुत ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, हम यहाँ पर ऑयल रिलीज हो चुका है और मसाला अच्छे से पक चुका है। हम इसे और थोड़ा सा पकाएंगे। आप देखेंगे कि ऑयल ना बहुत ही अच्छे से मसालों से अलग हो जाएगा। तो इसी बीच ना हम इसमें डालेंगे आलू जिसे हमने फ्राई करके रखा था।
और आलू डालने के बाद हमें मसालों में अच्छे से मिक्स करना है और इसे 5 मिनट के लिए मैं लो फ्लेम में मसालों के साथ पकाऊंगी ताकि जो आलू और मसाला अच्छे से एक दूसरे से कोट हो सके। इस तरह से मसाले में और आलू को अच्छे से कोट करने से आलू का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। आप देख सकते हैं साइड से ऑयल भी रिलीज हो चुका है। अब मैं इसमें डालूंगी गरम पानी। अपना गरम पानी का ही यूज़ करें। अब थोड़ा सा टेस्ट को बैलेंस करने के लिए मैं इसमें थोड़ा सा चीनी डालूंगी। थोड़ा सा ही चीनी डालेंगे, ज़्यादा नहीं। अब ऊपर से थोड़ा सा गरम मसाला ऐड करेंगे और सभी चीज़ों को एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब ज़रूरत के हिसाब से इसमें पानी एडजस्ट कर सकते हैं और मैं ऊपर से थोड़ा सा डालूंगी कसूरी मेथी, थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे जिससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा है। अब गैस को ऑफ कर दें। यहाँ पे कश्मीरी दम आलू बनकर तैयार है। रेसिपी कैसे लगी कमेंट्स में बताना। तो फ्रेंड्स मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।